हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए चलते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते। तो इधर हमारा भिंडी बन रहा है और कुकर में बिठाई हूँ दलिया। तो दलिया बनने वाला है, एक सीटी लग गया और एक सीटी लग जाएगा तो हमारा दलिया बन जाएगा। और फ्राई पैन में ना करेला उबाल रही हूँ। तो करेला जैसे कि नमक और सरसों का तेल और हल्का सा मिर्च डाल के मिक्स करके रोटी चावल के साथ खाने में भी अच्छा लगता है। तो इधर हमारा भिंडी का भुजिया बन गया है। तो बर्तन में मतलब प्लेट में निकाल के फिर सब्जी भी चढ़ाऊँगी। तो हमारा भिंडी का भुजिया कुछ इस तरह से बना है। देवांश के टिफ़िन में दूंगी अभी। तो हस्बैंड जी को अभी जाना है जल्दी, जैसे देवांश को छोड़ते हुए जाएंगे, तो इसी वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। और सुबह थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह की उन्होंने, तो वीडियो वगैरह शूट नहीं किया। उसके बाद मैं ये करेला और बड़ी आलू के साथ सब्जी बनाऊंगी, सूखा सूखा, ज़्यादा सूखा सूखा नहीं, थोड़ा सा तरी रहेगा। तो इधर मैं जैसे कि ये केले का सब्जी चावल रोटी के साथ अच्छा लगता है खाने में, तो सब्जी थोड़ा सा मैंने निकाल के रखा है, हस्बैंड जी के टिफ़िन में दूँगी अभी। तो अभी देवांश को एक रोटी खिला दिया मैंने भिंडी के साथ, उसके बाद ये रोटी वगैरह बना लेती हूँ और टिफ़िन वगैरह भी पैक करना है। और उसके बाद देवांश को मैं भिंडी और रोटी दे दूँगी दो, और हस्बैंड जी का भी टिफ़िन वगैरह पैक करके फिर मैंने दे दिया। और इधर दोनों एक साथ ही निकल गए, क्योंकि थोड़ा सा 8 बजे से पहले ही निकल गए, क्योंकि देवांश को स्कूल से छोड़ के हुए फिर जाएंगे, स्कूल में छोड़ते हुए जाएंगे। फिर ये मेरा किचन का हाल कुछ इस तरह से, किचन पूरा फैल गया है। और सुबह थोड़ा जल्दी जल्दी रहता है खाना वगैरह बनाने के लिए, इसी वजह से ना किचन पूरा बर्तन और आटा वगैरह पूरा फैल जाता है स्लब में। तो सब्जी जैसे कि जितना है मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी, दलिया भी निकाल के फिर जो भी बर्तन वगैरह है ना धो के फिर मैं ये किचन साफ कर रही हूँ। तो बर्तन वगैरह फैला रहता है ना, तो उसी में साफ नहीं होता है। तो पहले बर्तन वगैरह धो के फिर मैं स्टैंड में लगा दिया है। बस खाली हमारा किचन जैसे कि ये गैस चूल्हा साफ करना है और स्लैब वगैरह साफ करना है। तो इधर हमारा गैस चूल्हा मैं साफ कर रही हूँ और स्लैब में पूरा आटा हो गया, आटा आटा हो गया, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं बना रही थी ना, तो इसी वजह से आटा थोड़ा फैल गया है। तो कभी कभार कपड़े भी बिछा लेती हूँ, कभी ऐसी ही मैं जल्दीबाजी में मेरा कुछ इस तरह से भी हो जाता है कभी कभार। तो मैं आटा को पहले जैसे कि गैस चूल्हा पहले साफ कर लिया और अभी मैं स्लैब को साफ कर ले रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मेरा किचन पूरा साफ हो गया है। और सुबह का काम कुछ नहीं हुआ है, बस मैं सुबह खाना बनाने में लग गई थी। और सब्जी वगैरह काटने में भी ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो कुछ इस तरह से खाना वगैरह बनने के बाद किचन को साफ हो गया हमारा। और कमरे में मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया और बिस्तरा वगैरह ना फैला हुआ था तो वो भी मैंने समेट लिया है। और मैं बाहर लगा रही हूँ पोछा, और जो भी कपड़े वगैरह है ना वो भी धोना है तो मैंने भिगो दिया है। तो हस्बैंड जी और देवांश जैसे कि सुबह 8 बजे से पहले निकल जाता है ना, तो मेरा काम 8-9, 9:30 बजे तक पूरा काम हो जाता है। फिर मैंने नहा धो के पूजा कर लिया है, और एक 1.5 घंटे के बाद ये जो भी कपड़ा वगैरह मैं धोई थी ना तो वो फैला दे रही हूँ। तो आज ज़्यादा कपड़ा ही नहीं था, कम ही कपड़ा है। और धूप भी बहुत तेज़ है, और जैसे कि अभी ना गर्मी फिर इतना गर्मी है कि कपड़े आराम से सूख रहे हैं। उसके बाद जो भी कपड़े वगैरह मैं धो के रखे थे, मतलब सुखा के रखे थे ना सुबह, ये सूख तो जाता है फिर भी मैं धूप एक बार सुबह लगा देती हूँ। तो वही कपड़ा मैं ये चेयर पे रखी थी तो वही मैं अभी मतलब इसको तेल लगा के रख दूँगी। फिर शाम को ना ये देवांश को भूख लग रही थी, ट्यूशन से भी आया है, तो जो भी चावल थोड़ा सा चावल रखा हुआ था तो मैंने मूंगफली के साथ फ्राई किया है, और इसमें ना भिंडी रखा हुआ था थोड़ा बहुत तो मैंने इसमें डाल दिया है, तो इसी वजह से थोड़ा सा मूंगफली भी खा लेगा, नहीं तो ये खाता नहीं है। तो भिंडी के साथ जैसे कि अभी चावल खाएगा ना तो उसको पता नहीं चलेगा क्या है,
नहीं तो अलग से अगर मूंगफली दे देती तो वो मना कर देता, मैं नहीं खाऊंगा। तो हस्बैंड जी के आए हैं ड्यूटी से, तो उन्होंने समोसा लेके आए, तो मैं भी थोड़ा ले रही हूँ और देवांश भी खा रहा है। तो आते ही उन्होंने देखा पंखा वगैरह कुछ नहीं चल रहा है, तो वो लेके बैठ गए हमारा पुराना वाला पंखा ठीक करने में। और जैसे कि उन बोला है ना कि जैसे तुम देख लो अपना, मकान मालिक ने बोला है, तो अपना ही जो पुराना रखा हुआ था तो सामान वगैरह लेने गए थे, और उसी वजह से मतलब पंखा वगैरह ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लग गया है। तो अपने पास होता है ना तो सभी साथ देते हैं और आते हैं। तो आज जैसे हमारे पास कुछ नहीं होता है तो सब मतलब ऐसे रिएक्ट करते कि हमें जानते ही नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम लग गया है, और उनका भी पंखा रखा हुआ है, तो मैं कल साफ़ करके धो धा के मैं उनको उनका मतलब दे दूँगी। और ये हमारा मतलब पंखा तैयार हो गया, पंखुड़ी वगैरह लगा के हस्बैंड जी लगा देंगे। तो इनका पंखा ये है, तो कल साफ़ सुथरा करके फिर मैं दे दूँगी। तो कुछ इस तरह से मतलब पंखा वगैरह लगाने के बाद 11 बजने में 15 मिनट बाकी है और हमारा पंखा वगैरह लग गया है। तो फ्रेंड आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो पंखा बहुत स्पीड में चल रहा है, मतलब सामान नया लगाया है ना इसी वजह से। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो।